वेलकम बैक टू प्रियंकर के भाई। सबसे पहले सबको हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू गाइस। ये हमारा साल का फर्स्ट वीडियो है, ठीक है, जो कि हम शूट करें 6 जनवरी को, ठीक है, इसलिए बोला, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, 2-4 अपडेट हैं और एक मंडे को क्लेम होने वाला है, जो हमारा माइनिंग कैप है ना, उसका पेमेंट आने वाला है। न्यू यूजर्स को ज्वाइन ना करें, मैं पहले ही बता रहा हूँ, 2 दिन में क्या ही माइनिंग कर लोगे, ठीक है, 2 दिन में क्या ही माइनिंग कर लोगे। तो प्लीज़ न्यू यूज़र डोंट ज्वाइन नाउ, कोई ज्वाइन मत करना न्यू यूज़र, और जो ओल्ड यूज़र है वो अपना एक्टिव कर लो, ठीक है। तो चलो, क्या अपडेट है, क्या नहीं है, कौन सी एप्लीकेशन है, सब कुछ बताते हैं। उससे पहले टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो कर लो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो जाके फटाफट से ज्वाइन कर लेना, वरना सर्च कर लेना @priyank_RKY786, तो मेरा चैनल मिल जाएगा, जाके ज्वाइन हो जाना। चलो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली गुड न्यूज़, ठीक है, सबसे पहले गुड न्यूज़ की, आपको मैंने कल रात को ही अपडेट कर दिया था टेलीग्राम पे, लेकिन जो बंदे आलसी है वो टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं करते, उनके लिए वीडियो में भी बताना पड़ रहा है कि आइस नेटवर्क ने अपना वॉलेट BSC पे ला दिया है, ठीक है। ये सबसे बढ़िया किया है, तो आप चाहो तो यहाँ से अपडेट भी कर सकते हो, क्लिक करना, यहाँ से एड्रेस हटा देना और आप कहीं से भी दे सकते हो, पर मैं कहूँगा मेटामास्क से देना, क्योंकि जब इसको क्लेम करोगे तो कहीं मेटामास्क पे जाएगा, ठीक है। अब OKX से भी दे सकते हो, इन्होंने बोला है, लेकिन यार मैं कहूँगा कि यहाँ पर डायरेक्टली दे दो मेटामास्क से। अगर वहाँ से 5-10 रुपीज़ की फ़ीस भी कट गई तो हमारा OKX पे डिपॉजिट तो हो ही जाएगा ना, क्योंकि ये BSC पे है, ठीक है। तो आप अपना एड्रेस यहाँ से अपडेट कर सकते हो, चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, पर मैं चेंज नहीं करने वाला, क्योंकि मेरा मेटामास्क का सेम है। और बाकी सब यहाँ पर KYC वगैरह तो हम Level 1 और Level 2 का कर ही चुके हैं, जिन्होंने नहीं किया वो कर लेना, ठीक है। तो यही अपडेट था, फटाफट से कर लो, ठीक है। आपका ऑलमोस्ट 10% के हिसाब से कुछ अनलॉक होगा, 10% या 20% जो भी होगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये तो हमारा फर्स्ट था, चलते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड है गाइस बॉन्डेक्स। सब लोग बोल रहे हैं बॉन्डेक्स पे हमारा टोकन कम हो गया, मेरा भी 600+ था टोकन, इन लोगों ने काट लिया, क्योंकि मैंने 2 मंथ से माइनिंग नहीं की थी, 3 मंथ से इनएक्टिव था, ठीक है। तो अभी मेरा देख ही लो कितना हो चुका है, ठीक है। अगर ये दिखाता है तो मैं आपको वही दिखा देता हूँ, ठीक है। चलो तो देख लो, मेरा 348 हो चुका है, ठीक है। और अगर मैं डेली माइनिंग नहीं करूँगा तो ये उससे भी कम हो जाएगा। और इसका KYC एक अपडेट आएगा, इनके CEO ने टेलीग्राम पे बोला है, ठीक है, कि आपको कॉस्ट पे करना होगा KYC पे $3 का, ठीक है। तो जो भी करना चाहो कर सकते हो, क्योंकि सब लोगों ने मल्टीपल अकाउंट बनाया था, इसलिए इसका कॉस्ट पड़ रहा है $3, ठीक है। तो मस्ट यार, जो भी करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। $3 देखिए कुछ नहीं जाता, अगर एक बॉन्डेक्स की वैल्यू हमारी ऑलमोस्ट $0.5 भी रहती है ना, तब भी अगर हमको 15-20 बॉन्डेक्स भी मिलते हैं तो भी हमारा हो जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। ये तो अपना सेकंड अपडेट है, तो जो करना चाहो कर सकते हो। इनके टेलीग्राम पे अपडेट आया था कि KYC के टाइम पे इनको आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी पर अकाउंट $3, ठीक है, पर यूज़र $3 देना पड़ेगा आपको। तो वो बात का बाद में देखेंगे, तो अभी के लिए चाहो तो माइनिंग कर सकते हो, ठीक है। अब थर्ड अपडेट की तरफ बढ़ते हैं कि हमारे इस पर तो डेली क्लेम करते ही रहो, ये जैसे ही लिस्टिंग होगा मैं आपको बता दूंगा। ये तो एक छोटा सा अपडेट था जिसको हमने कर लिया कवर। और नेक्स्ट अपडेट है AY का, ठीक है। AY टोकन पे क्या करना है, आपको डेली के डेली अभी भी क्लेम करना है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप क्लेम नहीं करोगे तो ये जो आपका 500 टोकन है ना, 500 टोकन, ठीक है, जो आपका 500 टोकन है, ठीक है, उनमें से हमें 131 के आसपास टोकन मिल गया, ठीक है, जो हमारा 300-350 टोकन बचता है, ठीक है, जो हमारा 300-350 टोकन टोटल बचता है हमें OKX में रिसीव हुआ, तो उसके अलावा OKX उसमें जितना बचता है, ठीक है, मैं दिखाता हूँ, अगर दिखाता है तो जो हमारा जितना बचता है, ठीक है, टोकन जितना भी बचेगा, शायद मेरे को पहली बार में 60 मिला था और दूसरी बार में 131 मिला था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, 190 टोकन 200 के आसपास मिला था, जो 391 टोकन है ना वाल, वो मेरे को तभी मिलेगा जब मैं यहाँ पर एक्टिव रहूँगा। और अगर एक्टिव नहीं रहूँगा तो इसका क्या होगा पता है, ये जो मेरा यहाँ पर Level 2 पे आप आते हो ना, जो 91 स्कोर शो कर रहा है, ठीक है, आपको वो खट के माइनस हो जाएगा, ठीक है, और जितना माइनस होगा उतना आपका कम प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, आपको ये माइनस हो जाएगा अगर आप इस पर एक्टिव नहीं रहोगे हर 24 या 48 घंटे या फिर 72 घंटे में आके एक बार आपको क्लेम करना है, ठीक है, जिससे कि आपका स्कोर माइनस में ना जाए, ठीक है। तो ये तो अपडेट है। दूसरा सब लोग बोल रहे हैं PXR नेटवर्क के बारे में, ये सब लोग बोल रहे हैं इसमें स्कैम तो नहीं है, क्योंकि स्कैम मतलब फ्रंट पेज ही मांग रहे हैं KYC का, इसमें फेक KYC भी हो गई है, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने अपनी फेक KYC कर ली है, कैसे कि मैं नहीं बता सकता कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से, लेकिन जिन्होंने फेक KYC की है, ठीक है, उनके लिए भी ये मैं बता दूँ कि यहाँ पर अब माइनिंग तो
उसमें ऐड वगैरह चलता है, लेकिन आप यहाँ पर माइनिंग तो कर ही सकते हो। ठीक है, फटाफट से माइनिंग करते रहो और यहाँ पर जितना भी आपका टोकन रहेगा, ठीक है, वो आप माइनिंग तो कर ही सकते हो। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ, देख सकते हो स्टार्ट हो गई है। ठीक है, और यहाँ पर बैलेंस पे क्लिक करके भी दिखा देते तो बूम गाइस देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास इतना है। ठीक है, 3972 और पर हवर अब मेरे को 0.5 टोकन मिल रहा है। ठीक है, और मेरा KYC यहाँ पर ऑलरेडी वेरीफाई है। थ्री डॉट पर क्लिक करते हैं गाइस। ठीक है, थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर KYC पे जाते हैं, देख सकते हो KYC स्टेटस ऑलवेज वेरीफाई हैज बीन वेरीफाई। ठीक है, अब देखते हैं इनका क्या अपडेट आता है। मैं आपको ये वीडियो इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, अब चलते हैं गाइस उस एप्लीकेशन की तरफ। उससे पहले इसका भी अपडेट देते तो बिल अप नेटवर्क है, जिसका हमने ऑलरेडी KYC किया है, तो इसमें भी माइनिंग करते रहो। ठीक है, कुछ नहीं करना, आना है और यहाँ पर स्टार्ट कर देना है। ठीक है, मैं आपको लिंक वगैरह नहीं दूंगा इसका, मैं आपको लिंक नहीं दूंगा, आपको मेरे टेलीग्राम के सर्च वाले सेक्शन पे आना है। तो ये है गाइस मेरा टेलीग्राम, जिसके सर्च पे सेक्शन पे आना है आपको, यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करना है और जो भी आपका माइनिंग करना है। ठीक है, मैं कहूँगा इस ऐप को गलती से भी कोई ज्वाइन मत करना। ठीक है, आप सारी माइनिंग ऐप्स को ज्वाइन कर सकते हो, इसको कर लो, आइस नेटवर्क को कर लो, लेकिन इस वाली को मत करना, PXR नेटवर्क को। ठीक है, ये न्यू यूज़र को मैं रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूँ ये वाली। ठीक है, आप इसको कर सकते हो नो डाउट। ठीक है, सिंपल सा आने के बाद स्टार्ट करना है, तो देख लो ये भी हो गया, अब ये तो कर लोगे। अब चलते हैं मैंने एप्लीकेशन की तरफ। मैंने आपको एक एप्लीकेशन दिया था, ठीक है, मैंने आपको एक एप्लीकेशन दिया था ये वाला। ठीक है, ये सारा माइनिंग ऐप ही है, लेकिन मैंने ये वाला एप्लीकेशन दिया था, इसको न्यू यूज़र ज्वाइन मत करना, इसका मंडे को क्लेम लाइव होने वाला है। ठीक है, तो अभी मैं साइन इन करता हूँ पहले तो। ठीक है, लॉग इन करता हूँ। ठीक है, उसके बाद दिखाता हूँ, तो देख सकते हो डेली चेक इन करके और आप इसमें अर्निंग कर सकते थे, कुछ भी मतलब डेली चेक इन करके कर सकते थे और वॉकिंग करके। ठीक है, और रेफर करके। ठीक है, तो जितना भी आपका टोकन बना है टोटल आपका ये जो रेफरल्स है यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ 1 सेकेंड। ठीक है, ट्रॉफी वाले सेक्शन में इधर आओगे तो आपको इधर अपना शो कर दिया जाएगा। 1 सेकेंड में दिखा देता हूँ, तो देख सकते हो मेरे तो कुछ इनवाइट वगैरह ज़्यादा नहीं है, देख सकते हो इधर एक दो होंगे तो भी। ठीक है, लेकिन जिन्होंने इनवाइट करके टोकन अर्निंग किए थे उनको भी 2 दिन तक लगातार माइनिंग कर मतलब चेक इन करना पड़ेगा, उसके बाद ही उसका मिलेगा। ठीक है, तो मेरे पास 1250 कॉइन के आसपास है। ठीक है, 5K के आसपास है, इतने है देख सकते हो, 1.25K। ठीक है, तो देखते हैं इतना, अभी इसमें से ये 20% अनलॉक करेंगे, इसके ट्यूटर पे चलते हैं। तो ये है गाइस इनका ऑफिशियल ट्यूटर, और देख सकते हो लास्ट यहाँ पर अपडेट क्या दिया गया है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। इसका दूसरा ट्यूटर है, लेकिन देख सकते हो। ठीक है, लास्ट अपडेट क्या लिया गया है वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं आपको पढ़ के ही सुना देता हूँ। टू ये बोल रहे हैं यहाँ पर साफ साफ, इसका हिंदी में ही मतलब आपको समझा देता हूँ। ठीक है, ये बोल रहे हैं आपका मंडे को यहाँ पर क्लेम होगा, वो भी 2 डेज़ के बाद। देख सकते हो यहाँ पर मंडे को लिखा है कि क्लेम होगा, और ये बोल रहे हैं कि जिन आपने जिनको रेफर किया उनको 2 दिन तक चेक इन करना होगा, तभी आपका 100 टोकन ऐड होगा। ठीक है, ये तो फर्स्ट बात है। ठीक है, और ये लोग बोल रहे हैं कि आप अपना मंडे को BNB चेन पे 20% क्लेम कर सकते हो। सिंपल भाषा में समझा दे रहा हूँ, ठीक है, कोई ज़्यादा फच्चा मची मत करना, कोई मुझसे DM पे ये मत पूछना कि ये कब क्लेम होने वाला है, कितना क्लेम होने वाला है। मतलब आपको पास अगर 1200 टोकन है ना, तो उस हिसाब से 20% आप निकाल लो। ठीक है, अगर आपके पास 1000 टोकन है, ठीक है, 1000 टोकन है ना, तो आपको 200 टोकन मिल जाएंगे, बस वही है। और अगर आपके पास 200 है तो अगर आपको 20% के हिसाब से 20 मिल जाएंगे, तो यहाँ पर मेरे को 220 टोकन अनलॉक होंगे, और बाकी के टोटल ये धीरे धीरे हर मंथ 100 टोकन करके अनलॉक करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर इन यूजर ने क्वेश्चंस भी किया था, ठीक है, कि आप यहाँ पर किसके यहाँ पर जब 2 तारीख को ये लॉन्च होगा, ठीक है, 2 तारीख को मतलब सॉरी ये सोमवार यानी कि मंडे को क्लेम होगा, तो मंडे को इनके तरफ से अपडेट आएगा वॉलेट का, जिसमें हम वॉलेट एड्रेस ऐड कर पाएंगे। तो एक यूजर ने क्वेश्चंस किया था, जिनका इन्होंने रिप्लाई किया है, ठीक है, कि हम कौन सा वॉलेट एड्रेस डालें, तो आपने इन्होंने रिप्लाई दिया है कि AnyBSC एड्रेस। ठीक है, AnyBSC एड्रेस आप डाल सकते हो, पर मैं कहूँगा मैडम आप सही डाल देना। वैसे ही यहाँ पर कुछ यूजर ने और क्वेश्चंस किया है, तो इन लोगों ने उसका रिप्लाई भी किया है, देख ही सकते हो। ठीक है, बाकी सब यही है कि आपको मंडे को क्लेम होगा। ठीक है, तो तैयार रहना, रेडी रहना, और जिन्होंने माइनिंग करके अच्छा खासा टोकन डेली ये स्वीट कॉइन की तरह था। ठीक है, स्वीट कॉइन जो अपने वाला एप्लीकेशन है ना, मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये स्वीट कॉइन की तरह था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो क्या गया अपना स्वीट कॉइन, ये देखो स्वीट कॉइन। ठीक है, ये रहा स्वीट कॉइन,
जिसमें क्या है कि डेली की डेली हमको पैर हिलाते हैं तो वो स्टेप वगैरह काउंट होगा, उसका तो मतलब टोकन मिलता है। और ये तो ऑलरेडी विड्रॉ दे चुका है, ठीक है, इनके वॉलेट पे दिखा भी दे रहा हूँ, ठीक है। अभी इसका प्राइस ज़्यादा नहीं है लेकिन विड्रॉ तो दे चुका है, स्कैम प्रोजेक्ट तो नहीं है ये, ठीक है। अभी मेरा इतना परसेंट अनलॉक है टोकन, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करके टोटल $4 बन रही है इतने टोकन की वैल्यू, लेकिन फ्री फोकट का है, ठीक है। आपको सिर्फ हमने रखा है, कोई वॉकिंग नहीं किया। 68% ऑलरेडी हमारा अनलॉक हो चुका है, और जो 40% बचा है ना वो भी इसी साल में, हमारा 91 जो लॉक है ना, 91 टोकन, वो भी इस साल 150 दिन के अंदर, मतलब 250 दिन के अंदर हमारा अनलॉक हो जाएगा, ठीक है, ऑलमोस्ट 6 मंथ के अंदर, ठीक है। तो कुछ भी करना नहीं है यार इसमें भी, मैं इसको होल्ड इसलिए कर रहा हूँ इसके ऐप में, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसको मैडम ऐप डाल के रख सकता हूँ, और मैं वो भी कर सकता हूँ, ठीक है, नियर वॉलेट पे, नियर वॉलेट पे, नियर चेन पे जाके इसको डाल के रख सकता हूँ। अब नियर चेन कौन सा है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो आप अपने बिटकॉइन वॉलेट पे आना, ठीक है, बिटकॉइन वॉलेट पे आने के बाद इधर क्लिक करना, ठीक है। मैं अपना एक दूसरा वॉलेट सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, जिसमें मैं ऑलमोस्ट वो करता हूँ एड्रेस रिसीव वगैरह, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करना उसके पास, ठीक है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं मैंने इतना सारा नेटवर्क ऐड करके रखा है नीचे। क्लिक करना, यहाँ पर सर्च कर लेना नियर वॉलेट, ठीक है, नियर सर्च करना। जैसे ही आप नियर सर्च करोगे यहाँ पर ऐड पे क्लिक करना, प्लस पे, ये आपका ऐड हो जाएगा, देख सकते हो ऐड हो गया सक्सेसफुली, ठीक है। हमारा यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पर नियर को सिलेक्ट करेंगे, देख सकते हो नियर वॉलेट का एड्रेस अलग है, ठीक है, और हमारा BNB का भी अलग है। तो यही बात है कि जो भी आपको चेंज से मांगें तो आपको डिफरेंस से देना है, ठीक है। तो चलो मैं नियर वॉलेट का एड्रेस कॉपी करता हूँ और लाइव आपको विड्रॉ करके थोड़े से टोकन दिखा देता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पर सेंड पे क्लिक किया, यहाँ पर नियर वॉलेट का एड्रेस डालना है, तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करना, इसको टिक करके यहाँ पर क्लिक करना, ठीक है, एग्रीमेंट करके। मेरे पास कितने टोकन है, कितने टोकन है मेरे पास, देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, 189 है। तो मैं यहाँ पर 10 टोकन आपको विड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ठीक है। बाकी के तो इस पर ही होल्ड करूँगा, 10 करूँगा तो इतना टोटल मेरा फीस जाएगा, ठीक है। चलो मैं इसको स्लाइड किया, स्लाइड करने के बाद मेरा ये कंफर्म हो गया विड्रॉल, ठीक है। थोड़ा सा वेट करना है, देख सकते हो मेरा एड्रेस पे सेंड हो गया। इसको क्लोज करते हैं, मेरा इंस्टेंटली अमाउंट कट जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा बैक करता हूँ, रिफ्रेश, और देख सकते हो मेरा अमाउंट कट गया है, ठीक है। 300 था तो अभी इतना हो गया। अभी इंस्टेंटली आते हैं यहाँ पर, और आपको एक यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा प्लस का, प्लस पे क्लिक करना। प्लस पे क्लिक करने के बाद फिर आपको सर्च बार पे लिखना है SWEAT स्वीट टोकन, तो आ जाएगा, इसको ऐड करना, ठीक है। जैसे ही ऐड करोगे बूम, देख सकते हो मेरे पास 10 टोकन इंस्टेंटली आ चुका है। तो इस तरीके से आप होल्डिंग कर सकते हो। तो यही था आज की इस वीडियो पे, पूरा प्रोसेस बता दिया। यहाँ से आपको इसका टोकन कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी मिल जाएगा, देख सकते हो ये इनका कॉन्ट्रैक्ट भी है, ठीक है। तो यही कहूँगा, तो कर लेना सब लोग, यही था प्रोजेक्ट पे। लव यू ऑल गाइस, टोटल अपडेट बता दिया, लव यू ऑल गाइस।